दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सजल सरकार, BHMS होम्योपैथी स्किन केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम और एक नया टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक का नाम है वो फाइमोसिस है, जो मर्दों में होता है, महिलाओं में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये फाइमोसिस क्या है और इससे हम कैसे परमानेंटली निजात पा सकते हैं। दोस्तों, फाइमोसिस जो होता है ये फोरस्किन ऑफ अवर पेनिस जो रहता है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा पेनिस है, इसका जो ऊपर का जो स्किन रहता है और ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसके चलते ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन नहीं हो पाता। ऊपर नीचे जो होना चाहिए ये फ्रिक्शन हो नहीं पाता, वो एक ही जगह पर अकड़ जाता है और इसका जो मुंह जो रहता है ये नैरो हो जाता है, जिसे हम फाइमोसिस कहते हैं। फाइमोसिस का मुख्य दो वजह रहता है, एक साइकोलॉजिकल कॉज है और एक पैथोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज जो रहता है दोस्तों, ये बच्चों में जन्म से ही होता है, जिसमें कि फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है हो जाता है, उसका मुंह जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिसमें बच्चों में डिफिकल्टी इन यूरिनेशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है। लेकिन बच्चे जब बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं तो हम इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 5 साल 6 7 साल का हो जाने से हम उसमें जो हमारा जो पेनिस है, मान लीजिए पेनिस है, इसका ऊपर का जो स्किन है हल्का सा हम यहाँ पे चीरा लगा देते हैं ताकि स्किन जो है प्रॉपर तरीके से फिक्सन हो सके। दूसरा वजह है दोस्तों पैथोलॉजिकल कॉज है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होता है, बच्चों बड़े बच्चों में भी होता है और यंग एडल्ट में भी होता है। और एक जो कॉज है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, अगर कुछ महिलाओं का अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम है तो अगर हम उसके थ्रू अगर कोई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है तो भी ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो ये तो मुख्य वजह है। अभी हम जानेंगे इसका जो सिम्टम्स क्या रहता है। सिम्टम्स में दोस्तों पहला जो रहता है, जो हमारा फोरस्किन रहता है पेनिस का जो फोरस्किन रहता है वो टू टाइट हो जाता है। एक तो टाइट हो जाता है, वो पीछे की तरफ नहीं होता है, जिसमें हमें पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट को यूरिनेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। फोरस्किन जो रहता है पेनिस के चारों तरफ जो फोरस्किन रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेड रेसेस हो जाते हैं, या ग्लांस पेनिस में भी हम देखेंगे रेड रेड डॉट डॉट रेसेस आ जाते हैं, ये भी होता है। पेशेंट को यूरिन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पेनफुल यूरिनेशन होता है। इरेक्शन जो रहता है पेनिस का वो भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल इरेक्शन रहता है। पेशेंट का जो पेनिस में जो रहता है कभी कभी इचिंग भी, हल्का इचिंग भी होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है, कभी कभी इन्फ्लामेशन जो रहता है, जिसे हम बेलनाइटिस भी कहते हैं, इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। और एक केस है सेकेंडरी केस, जिसे हम पाराफाइमोसिस कहते हैं। पाराफाइमोसिस में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा पेनिस का जो फोरस्किन है ये पीछे की तरफ तो आ जाता है लेकिन ये सामने की तरफ और नहीं आता, मतलब ये पीछे ही पड़ा रहता है, जिसमें हम कुछ कुछ केस में मेडिकल इमरजेंसी भी लगता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से ठीक हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जो हमें फाइमोसिस में दिखाई देता है। तो पहले आप दोस्तों याद रखिए, एक तो इन्फ्लामेशन होता है पेनिस के ऊपरी भाग में, फोरस्किन में। दूसरा है उसमें रेड रेसेस आ जाते हैं। तीसरा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन भी कभी कभी होता है, हल्का इचिंग भी होता है पेशेंट को। फोरस्किन का जो साइड का जो हिस्सा है उसमें कभी कभी क्रैक दरार आ जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है। पेशेंट का इरेक्शन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल इरेक्शन रहता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हो जाता है। अगर उस केस में अगर हम कोई सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं अपना पार्टनर के साथ में तो काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचता है, हमारा पेनिस का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इस केस में कोई भी सेक्सुअली रिलेशन अपने पार्टनर के साथ में मत रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आपका भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है प्लस आपका पार्टनर का भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों सिम्टम्स के बारे में। अभी हम इसका डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। डायग्नोसिस में दोस्तों ये हमारा डॉक्टर के ऊपर में ही छोड़ देना चाहिए, वे ही तय करते हैं कि ये फाइमोसिस का केस है कि नहीं है। जो भी हमारा एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं उनसे हमें सलाह मशवरा करना चाहिए। अभी हम इसका प्रिवेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिवेंशन में तो पहला है दोस्तों कि जो फोरस्किन रहता है पेनिस को, उसको रेगुलरली हाइजीनिक कीजिए, साफ सफाई रखिए, कोई अच्छे स्किन सॉप वगैरह से एंटीबैक्टीरियल लोशन से आप रेगुलर बेस पे उसको साफ़ कीजिए, ग्लांस पेनिस को साफ़ कीजिए,
कोई हाइजीनिक वे से आप सेक्सुअल रिलेशन रखिए, ताकि कोई भी कॉन्टेमिनेशन आपका पार्टनर के थ्रू आप में भी ना आए। ये जो मुख्य प्रिवेंशन है, इसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हमें ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभी हम इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, सल्फर 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों, रेक्सटॉक्स 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, मार्थसोल 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड 30, जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। तो ये 4 मेडिसिन है दोस्तों जो हमें लेना है दिन में 4 बार, 4-4 बूंद करके। ये तो हो गया इंटरनल मेडिसिन के बारे में दोस्तों। अभी हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको कैलेंडुला का मदर टिंचर लेना है, जिसका कि 8-10 बूंद एक कॉटन में लेके, जो भी आपका जो पेनिस का जो ऊपरी लेयर जो है स्किन में, जो फोर स्किन और ग्लांस पेनिस में, आपको लगा के साफ करना है। ग्लांस पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने की वजह से, अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट अगर कैलेंडुला को लगाने से, तो आप उस केस में क्या करना है, 8-10 बूंद कैलेंडुला का मदर टिंचर लेना है 2 चम्मच पानी में, और इसको डाइल्यूट कर देना है, ताकि जो मेडिसिन का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको कोई भी हार्म महसूस नहीं लगेगा, या जो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो महसूस नहीं होगा। उसके बाद में उस लोशन को आप कॉटन में लेके आपका ग्लांस पेनिस पे लगा के आप उसको साफ रखिए, ताकि आपका पेनिस जो है साफ रहेगा, इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, और काफ़ी तेज़ी से रिकवरी रेट आ जाएगा। इसको इसी तरीके से आपको साफ रखना है सुबह शाम दिन में 2 टाइम। और ये मेडिसिन का आपको 10 से 15 दिन लेना है दोस्तों। 10-15 दिन के अंदर में आपका प्रॉब्लम जो है नॉर्मली ठीक हो जाएगा। अगर कोई क्रॉनिक केस है काफ़ी दिन है तो कुछ समय और एडिशनल 10-15 दिन लग सकता है, नहीं तो नॉर्मली 7 से 15 दिन के अंदर में आपका प्रॉब्लम एकदम ही परमानेंटली ठीक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों। और अगर आपको और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में, तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका शहर में ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको घर बैठे ही आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दूंगा एक एफोर्डेबल प्राइस में, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गया है। या और इसी तरीके से और भी कोई प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी हेल्थ बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।